12 ways to love yourself, 12 ऐसे तरीके कि जिससे आप अपने आप को प्यार कर पाए, और ये 12 तरीके आपने 21 डेज के मिरर वर्क में जो इनर ग्रोथ की जर्नी में सीखा है सब कुछ, उसकी आपको याद दिलवा पाए। तो आज हम यहाँ पर 1 by 1 ये 12 ways सीखेंगे जहाँ से आप अपने आप को और ज़्यादा प्यार कर पाए। नमस्कार, मेरा नाम दीपाली है, मैं लाइफ एंड इनर वेलनेस कोच हूँ। डियर फ्रेंड्स, चलिए हम 1 by 1 देखते हैं 12 वेज टू लव योरसेल्फ। वे नंबर 1, स्टॉप ऑल क्रिटिसिज्म। आप अपने आप को प्यार करना शुरू करें और सारी जो सेल्फ क्रिटिसिज्म है उसको आप एलिमिनेट करें, दूर करें। जितना ज़्यादा आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, अप्रूव करेंगे, उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होते चले जाएंगे, पॉजिटिविटी आपके जीवन में बढ़ती चली जाएंगी। आप यूनिक है और आप ये यूनिकनेस को बहुत ही प्यार से एक्सेप्ट करें, अपने आप को एक्सेप्ट करें, क्रिटिसाइज करना बंद करें, अपने खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। वे नंबर 2, फॉरगिव योरसेल्फ। काफ़ी लोगों ने 21 डेज की मिरर वर्क की एक्टिविटी में मुझे पूछा कि मैं दूसरों को तो फॉरगिव कर पाता हूँ, कर पाती हूँ, लेकिन खुद को मैं माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा सिंपल सा सवाल है ये सब लोगों को, क्या आप अपने आप को चाहते हैं? आप अपने आप को चाहते हैं तो अपने आप को माफ़ कर दे, कितना भी बड़ा गुनाह आपने किया है। जब आप अपने आप को माफ़ नहीं करते हैं तो आप बहुत बड़ी गिल्ट में चले जाते हैं, जो बहुत ही बुरा जोन है, नेगेटिव जोन है, जो बहुत सारी बीमारियां लाता है, मानसिक और शारीरिक। जस्ट सिंपली फॉरगिव योरसेल्फ एंड लव योरसेल्फ, एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर। फॉरगिवनेस is a powerful tool, it's a fuel for growth. Just type that, forgiveness is a fuel for growth, dear friends. Way number 3, don't scare yourself. हम हमेशा अपने आप को डराते रहते हैं, ये टेररिज्म खुद के ऊपर करना बंद करें। लाइफ बहुत आसान है, just type that, life is so simple. हमने खुद ने उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेट कर दिया है। अपने आप को डराना बंद करें, लाइफ को ईजीली लें। जैसे ही लाइफ आपकी तरफ आ रही है वैसे ही उसको स्वीकार करें और प्रेजेंट मोमेंट में रहे। ये जो डर है और जो आप खुद को डराते रहते हैं उसमें से आप बाहर आते चले जाएंगे, और सिंपल लाइफ का मज़ा लीजिए प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए। वे नंबर 4, बी जेंटल, काइंड एंड पेशेंट विथ योरसेल्फ। हम बाकी सबके लिए बहुत जेंटल होते हैं, काइंड होते हैं, पेशेंट होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। हमारी खुद की बात आती है तो हम इनपेशेंट हो जाते हैं, कभी भी हम खुद के साथ काइंड और जेंटल नहीं रह पाते हैं। लेकिन आपका सबसे बड़ा जॉब है आपके खुद के साथ काइंड रहना, पेशेंट रहना और जेंटल रहना। और देखिए, जैसे ही आप अपने खुद के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अपनी सेल्फ टॉक को इम्प्रूव करेंगे और आप अपने आप को मोटिवेट करेंगे हर बार, हर छोटी से छोटी एक्ट के अंदर, तो आप देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप और ज़्यादा खुश रहते चले जाएंगे। ट्राई करके देखिएगा। वे नंबर 5, बी काइंड टू योर माइंड। माइंड में बहुत सारे ऐसे सेल्फ हेट्रेड के ख्याल आते हैं। अपने आप को प्यार करना शुरू करें और सारे जो सेल्फ हेट्रेड के थॉट्स हैं उसको पॉजिटिव और सेल्फ लव में उसको ट्रांसफ़र करें, ट्रांसफॉर्म करें, अपनी लाइफ को रीडिज़ाइन करें और अपने माइंड में जो हमने एक सोच बना के रखी है उसको चेंज करें और वहाँ पर बी काइंड। माइंड का आपका जो थॉट्स है वो बदलेगा तो अपने आप आपकी लाइफ आपको आसान और सुंदर दिखती चली जाएगी। वे नंबर 6, प्रेज योरसेल्फ।
आर यू वेटिंग कि कोई आए और आपकी तारीफ करे? सबसे बड़ी कमी जो है ना दुनिया में, तो वो है तारीफ की। जो मरे हुए लोग हैं उसकी कब्र के ऊपर लोग फूल चढ़ाते हैं, या तो मरे हुए लोग हैं उसकी फ़ोटो के ऊपर, और उसके बाद उनकी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जिंदा इंसान के लिए कोई अच्छी बातें कभी नहीं कर पाता है। शायद हम भी उसमें शामिल है, बट यहाँ पर मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हम अपनी खुद की तारीफ क्यों नहीं कर सकते। प्रेज योर सेल्फ विच एवरी मोमेंट, स्मॉल एक्ट, एवरी मोमेंट अपने आप को प्रेज करें, और फॉर एवरी स्मॉल एक्ट, कुछ भी, छोटी सी भी चाय बना दी आपने, एक बहुत अच्छा मैसेज बनाया, या कोई अच्छी डिज़ाइन बनाई, खाना बनाया आपने, आधा घंटा काम कर लिया या चला, कुछ भी, कोई भी छोटी सी ऐसी एक्ट इन अ डे, बहुत कुछ करते हैं लेकिन हम उसको नज़रअंदाज करते हैं। हर छोटी छोटी एक्ट को अप्रिशिएट करना शुरू करें, और वहीं से आपका कॉन्फिडेंस आपको वापस मिलेगा, और देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी खुशियों से भर जाएगी। प्रेज योर सेल्फ, जस्ट से योर सेल्फ, आई एम अमेजिंग, मिरर में जाके कहे आई एम अमेजिंग, टाइप करे यहाँ पर आई एम अमेजिंग, एंड यस यू आर। वे नंबर 7, सपोर्ट योर सेल्फ। हम एक्चुअली हमेशा ऐसा सोचते हैं, आई एम नॉट लव्ड, आई एम नॉट सपोर्टेड। सबसे पहले तो ये अपने आप को सपोर्ट करना शुरू करें कि यू आर सपोर्टेड, एंड इसके बाद आपको जब भी कोई भी छोटी मोटी काम के लिए, बात के लिए, कोई भी लोगों की ज़रूरत है, आप बिल्कुल हिचकिचाए बगैर हेल्प मांगे, आपके दोस्तों से, फैमिली के मेम्बर्स से, कहीं से भी, एंड देखिए आपको हेल्प कैसे मिलती है, एंड यू आर सपोर्टेड। और इस तरीके से अपने आप को सपोर्ट करें ऐसा जताते हुए कि यू आर सपोर्टेड, जस्ट टाइप दैट आई एम सपोर्टेड। वे नंबर 8, बी लविंग टू योर नेगेटिविटीज। ये भी हमारे जीवन का हिस्सा ही है, प्रोवाइडेड हमें हमारी ये नेगेटिविटीज, यानी कि हमारी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना है, उसे अक्नॉलेज करना है, और फिर उसे एलिमिनेट करना है, यानी कि पॉजिटिविटी से रिप्लेस करना है। बट जब तक आप आपकी नेगेटिविटी या वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करते हुए अक्नॉलेज नहीं करते हैं, तब तक उसे आप रिप्लेस पॉजिटिविटी से नहीं कर पाते हैं। सो सिंपल, अक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट योर नेगेटिविटी। वे नंबर 9, टेक केयर ऑफ योर बॉडी। हमारा शरीर एक व्हीकल है जिसके थ्रू हम हमारे जीवन में हमारे जो भी डिज़ायर है या जो हमारे जीवन का पर्पस है वो फुलफिल कर पाते हैं। अब हमारी गाड़ी ही ठीक ठाक नहीं है तो हम हमारे जीवन के पर्पस को कैसे फुलफिल कर पाएंगे? आपके शरीर को बहुत ही अच्छा खाना और बहुत ही अच्छे विचार से कॉन्स्टेंटली फीड करते रहे, नर्चर करें। शरीर को ज़रूरत है आराम की, अच्छी नींद की, और हेल्दी डाइट की, और ऑफ कोर्स बहुत अच्छी तरीके से आप दिन में एक बार शरीर को व्यायाम भी करवाइए, एक्सरसाइज। सो अपने आप को वादा करें कि मैं मेरा शरीर स्वस्थ रखूँगा और मेरा अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तो ऑफ कोर्स मैं मेरे जीवन के सारे पर्पस को फुलफिल कर पाऊंगा। वे नंबर 10, हैव अ फन। आपने सीरियस लोगों को कहां पर देखा है? ऑफ कोर्स आईसीयू में। क्या आप आईसीयू में हैं? नहीं ना, भगवान ना करे कोई आईसीयू में हो, यानी कि जब हम हॉस्पिटल में नहीं हैं, और खैर हम आईसीयू में नहीं हैं, तो क्यों इतने सीरियस है? इन्जॉय करें हर मोमेंट को, बच्चों की तरह खेले, पेंटिंग करे, डांस करे, झूमे, नाचे, गाए, बाहर जाए और खेले बच्चे की तरह, अपने इनर चाइल्ड को भी खुशी दे। आपको याद है ना, आपने 21 डेज की मिरर वर्क में आपने अपने इनर चाइल्ड को बहुत सारा वादा किया है। नर्चर करे, इन्जॉय करे हर मोमेंट को, हैव फन। वे नंबर 11,
लव योर सेल्फ एंड डू इट नाउ. ये तो हमने सीख लिया कि खुद से प्यार करना है, लेकिन कब मुहूर्त निकालेंगे क्या? राइट नाउ, डू इट नाउ, नॉट नाउ बट एवरी मोमेंट एवरी डे. एंड दैट्स ओनली इम्पॉर्टेंट जॉब फॉर यू. अपने आप को प्यार करें, अभी से यहीं से शुरुआत करें. लव योर सेल्फ. वे नंबर 12, डू योर मिरर वर्क. ये आपका जीवन का रोज की एक आदत बनाइए. 21 डेज कंप्लीट. ओके, दिस रिचुअल्स, दिस चैलेंज हैज बीन कंप्लीटेड. नो, नथिंग लाइक दैट. इट्स नाउ पार्ट ऑफ योर लाइफ. डोंट यू थिंक जस्ट एट दैट, यस, मिरर वर्क इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ नाउ. ये मिरर वर्क करने से आप कॉन्शियसली आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं, आपके इनर चाइल्ड को नर्चर करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं, और आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख पाते हैं. ये ब्यूटीफुल प्रोसेस है, और 21 डेज में आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिले भी हैं. तो इसको आप कंटिन्यू करें. Just type that, I will continue mirror work in my life. Mirror work is a part of my life. Do this mirror work daily. Thank you. 12 ways से अब आप अपने आप को प्यार करना शुरू कर चुके हैं, और इसके अंदर आप gratitude का attitude adopt करना चाहते हैं, तो हमारी daily gratitude journaling work में जरूर से जुड़े, जिसके अंदर 52 रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे. आप मानते हैं कि ग्रैटिट्यूड इज अ मास्टर की फॉर ग्रोथ, जो सारे सक्सेस के दरवाजे खोल सकता है. आपको पता है कि ग्रैटिट्यूड एक ऐसा स्टेट है माइंड का, कि जहाँ से हम बहुत हाई फ्रिक्वेंसी में जा सकते हैं, और वहाँ से जो भी जीवन में चाहिए हम हासिल कर पाते हैं. तो हमारा ये ग्रैटिट्यूड का डेली जर्नलिंग वर्क का कोर्स जरूर से आप ज्वाइन करें, और ये 21 डेज मिरर वर्क की जो कंप्लीट एक्टिविटी का कोर्स आपने जो कंप्लीट किया है, और इसके जो रिजल्ट्स आपको मिले हैं, इसको मेंटेन रखना चाहते हैं, और जो भी चाहिए जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो ग्रैटिट्यूड की जर्नलिंग वर्क में जरूर से जुड़िए, जहाँ डिफरेंट 52 टॉपिक्स के ऊपर 52 वीडियोस आपको मिलेंगे, और उसके ऊपर डेली आपको जर्नलिंग वर्क करना है. और जर्नलिंग वर्क आप जब करेंगे ग्रैटिट्यूड के ऊपर, तब आपका जो माइंड है, पॉजिटिविटी का माइंड है, उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती चली जाएगी, और वहाँ से आप जीवन में सब कुछ जो चाहे हासिल कर पाते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक है, क्लिक करें और ज़रूर से ज्वाइन करें. हमारी जो 365 डेज का ये कोर्स है, 52 वीक्स के 52 वीडियोस, डिफरेंट 52 टॉपिक्स के ऊपर आपको मिलेंगे, और उसके साथ साथ मेरे 10 लाइव वेबिनार्स भी आपको मिलेंगे. तो ज़रूर से ज्वाइन करें, और ये पॉजिटिविटी की जो आपने एक फ्रिक्वेंसी बनाई है, जो एक स्टेट बनाया है, वो फ्रिक्वेंसी को आप मेंटेन करें. सी यू.